अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको फ्लोपिन ट्यूब या ओविडक्ट के बारे में बताऊंगा। मादा जानवरों में फ्लोपिन ट्यूब की तादाद दो होती है, इनको ओविडक्ट भी कहा जाता है। गायों और भैंसों में फ्लोपिन ट्यूब की लंबाई तकरीबन 10 से 15 इंच है, घोड़ी में फ्लोपिन ट्यूब की लंबाई 8 से 12 इंच, जबकि भेड़ और बकरी में इसकी लंबाई 6 से 9 इंच है। फ्लोपिन ट्यूब तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 कैफनुमा हिस्सा फ्लोपिन या इन्फंडिबुलम कहलाता है। नंबर 2 दरमियानी चौड़ा हिस्सा एम्प्यूला और नंबर 3 सबसे लंबा और तंग हिस्सा स्थमस कहलाता है। ये हिस्सा फ्लोपिन ट्यूब की कुल लंबाई के आधे हिस्से पर मुश्तमिल है। ओविडक्ट के अफाल, नंबर 1 अंडे को ओवरी से वसूल करना, नंबर 2 अंडे को खुराक मुहैया करना, नंबर 3 रतूबत पैदा करना, नंबर 4 सिकुड़ने की वजह से स्पर्म और अंडे की ट्रांसपोर्ट में मदद करना, नंबर 5 फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट्स में होती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।